कुछ ही देर में हमारे पास आई नोटिफिकेशन जहां हमें हमेशा मिस्टर मेकर की तरफ से मिस्टर बॉक्स आता था वही फर्स्ट टाइम हमें तनुज सर और सनी मैम की तरफ से आया था नोटिफिकेशन हेलो स्प्लिट्स Let's meet in the activity area. Yes. Yeah. Okay. Oh. Yeah. Love, Sunny and Tanuj. Yeah. हम तो बहुत ही एक्साइटेड थे और हम बहुत जल्दी जल्दी रेडी होकर निकले अपने एक्टिविटी एरिया के लिए तो जैसे ही हम लोग चैलेंज लोकेशन में पहुंचे तो मैंने देखा दो साइड में चेयर्स लगी और बीच में एक बड़ा सा पूल है दिखता है पूल है ना? Like, पूल पूल लाइक शिट इतनी ठंड में वाला चैलेंज क्यों है भाई तो हम सब एक्सेस को साथ में खड़ा किया गया था और जिनके कोई एक्सेस नहीं थे उनको अलग जगह खड़ा किया गया था बहुत अजीब सा लग रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था उस पर्टिकुलर टाइम पे Splits Villains, this is MTV Splitsvilla 15 co powered by Numi. Fixed Derma Shadow Sun Protection. Wildstone deos, and Perfume. So, how have the dynamics of the villa changed? <laughs>

And amapo mm -hmm. x's exes ko ek chance milenge to explain themselves or say jo aapko bolna hai, aap bol sakte. Laktay aaj aapki adalat kholi jaayegi aur yahan par satchaiyan niklegi logon ki. We also have a jury. Do you all know who that jury is? The splits villains who do not have an ex here. Are our jury, so we got very excited. I mean, judge thats like my vote day. a special treatment diya tha. Be better Okay, so it's allegations are, but who's going to present these allegations? All right. We do know someone who knows both sides, who's gotten to know. A lot of you. Then who better to present this case other than our mischief maker the वैसे ही इतना रायता फैला हुआ था भाई उर्फी और आ गई तो हमने कहा भाई अब कुछ तो गर्म होने वाला कुछ समझ आ रहा है मेरा लुक से या वकील वकील जी नहीं कोई लॉयर वॉयर नहीं मिस्ट्रिफ़ मेकर अपना दिमाग तुम लोग ज़्यादा मत चलाए करो मेरे आने तक मेरे जाने के बाद चला लेना सो स्प्लिट्स विलियंस जो भी एल्गेजिएशन है ऑरफी वुल बी देर टू प्रेजेंट देम डोंट वरी सनी मुझे तो सब कुछ पता ही है मुझसे क्या है सो आई विल इंश्योर कि सिर्फ सच ही बाहर आए झूठ कोई ना बोले इफ यू गाइस रिमेंबर डोंट रिमेंबर वो फिर मैं आज याद दिला दूंगी जो भी हो पानी में कोई ना कोई गिरना चाहिए भाई बस मैं इसलिए आई हूं तो आज के चैलेंज से ये क्लियर हो गया था कि आज लोगों पे बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगने वाले हैं तो आकृति तू तो रेडी रहे क्योंकि जो चिरकुट आया है वो तेरी तो बहुत अच्छे से बजाने वाला है आज हो ही जाए बात कि तुझे क्या प्रॉब्लम है मुझसे और मुझे क्या प्रॉब्लम है तुझसे जा के अपने अपने हॉट में बैठ जाओ जैसे हम लोग चेयर की तरफ जा रहे थे तो एक ऐसे फीलिंग आ रही थी भाई आज समय आ चुका है सब कुछ बोलने का सारी पोल खोलने का अब मेरा मुंह बंद नहीं रहे सचिन वर्सेस आकृति लेटेम तो सचिन आप पे आकृति का पहला इल्जाम है कि आपने आकृति को अंडर कॉन्फिडेंट बना दिया है मैं सारे इल्जाम सर पे ले लूंगा बट मैं ये इल्जाम मेरे सर पे नहीं लूंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी तुमको अंडर कॉन्फिडेंट फील कराया है आज जैसी हमारी कॉन्वर्सेशन हुई है कि तुमने मुझे बोला कि जब हम लोग स्ट्रीट पे डांस वीडियोस बनाते थे तो मैं तुमको डांटता था मुझे लगता है जब आप स्कूल जाते हो ना तो आपका टीचर भी आपको डांटता है मैं डांस कोरियोग्राफर हूँ

आकृति का दूसरा इल्जाम भी यही है जो उसने बोल दिया कि सचिन उसको प्रायोरिटी नहीं समझता है अपनी आई I मीन mean, जैसे अगर सचिन मुझे कहते हैं कि वो मुझे पसंद करता है और वो बोलते हैं कि आकृति तुम ही हो जिसके लिए मुझे फीलिंग्स आई है तो मैं ये पूछना चाहूंगी जब हमारी लड़ाई हुई थी तब तुम किधर थे तीन महीने तक और तुम अब एकदम से कैसे आ गए सब लोग मुंबई शहर इसलिए जाते हैं ताकि वो लोग अपने सपने पूरे कर सके और वो रिलेशनशिप के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तीन महीने तक मेरे करियर पर ध्यान नहीं दे रहा हूं मैं कुछ भी जोन में मैं गंदे जोन में चला गया था जब वो सारी चीजें हुई मुझे लगता है कि मैंने उतने बेस्ट एफर्ट्स नहीं किए इस रिलेशनशिप को या इस चीज को वर्कआउट करने के लिए आगे मैं इस चीज़ के लिए गिलती हूँ भाई तुम्हारी शक्ल पे दिख रहा था कि तुमने ये सारी चीजें मेरे साथ की हैं तो भाई अपनी चीजें सुधारो आगे बढ़ो और जैसे हो वैसे रहोगे तो मैं क्या तुम्हें कोई भी लड़की नहीं मिलेगी और शुक्र मनाओ कि तुम्हें मेरी जैसी लड़की तो सचिन का पे पहला एलिगेशन है आप बहुत अनग्रेटफुल हैं हैं और कभी भी उनकी कदर नहीं करती वो आपको दुबई लेके गए पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाया पैसे खर्चा किए तो क्यों नहीं तुमने कदर करी आई डोंट थिंक सो कि की तुम्हारा जो एलिगेशन है वो सच है ये बहुत झूठा और फेक एलिगेशन दिखाई दे रहा था मेरे साइड से दुबई भी हम कैसे कहते हैं कोलैबोरेशन से गए थे कोलैबोरेशन ट्रिप थी वो यार आई डोंट वांट टू डू दिस गाइस सॉरी वो यार दिस गेटिंग आउट किले देन पीपल बैड सचिन आर यू मैड तू पागल है क्या You have accepted everything, ना तू तू क्यों रो रहा है भाई? You did it तो accept करना उसको मैंने कराया। It's okay, you love her. It's, it's okay to have <laughs> these emotions. Sachin गया side में रोया, कुछ मारा, tantrum शुरू किया. Instead of facing the situation face to face head on, he ran like a coward. Man, I was not here for this. <laughs> I was here to play game, guys. This is getting ugly for me, man. <laughs>

एलिगेशंस तुम्हारे साइड से सा आए और जो मेरे साइड से सा आए थे वो मैंने पूछे और तुम उसके लिए ओके okay भी ओके okay, ठीक है तुमसे गलती हुई और मैं तुम्हें इस चीज के लिए मना भी नहीं कर रही कि तुम गलत हो यार कभी ना कभी so okay. कभी ना कभी ये सब लाइफ में फेस करना था कुछ सवाल खुद से करने होते हैं और सामने वाले से भी ये क्लैरिटी बाहर मिलती कभी यहां मिल रही है तुम्हें यूज करो उसको सचिन के लिए बुरा लग रहा था कि इस कहानी में एक लड़की बेचारी दिख रही है बट वट अबाउट दैट गाय जिसने आउट ऑफ लव इतनी चीजें उस इंसान के लिए की वट अबाउट हिज इमोशंस जब भी तुम मुंबई आई हो मुझे नहीं लगता है कि मैंने तुमको कभी भी किसी भी तरीके से किसी चीज की ऐसी भी कमी होने दी है और मुझे लगता है कि इंसान को करना भी चाहिए पर कल जब तुम्हारा रिएक्शन मैंने देखा ना तो मुझे लगा कि यार मेरे को बहुत बुरा फील हुआ ऑनेस्टली मैं बताती हूँ रोडीज में जो हमारा बॉन्ड था वो उसके बाद भी रहा So course, जब भी मुंबई आती थी तुम्हारे साथ रहती थी कितने बार आई मैं दो से तीन बार आई मुंबई दो से तीन बार आकर थी कितने बार आई चार से पांच दस बीस जितने बार भी मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाती थी तुमसे मिलने के लिए क्योंकि तुम मुझे पसंद करते थे मैं भी वही चीजें थी तुम्हारे लिए मेरे अंदर

जैसे-जैसे एलिगेशंस जैसे लगने लगे आई रियलाइज्ड कि सचिन लड़ ही नहीं पा रहा है अपने लिए सचिन अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बोल ही नहीं पा रहा है दिग्विजय और मैं एक दूसरे को देख रहे हैं कि यार कब बोलेगा ये वैसे दिग्विजय तुम्हारे पास कुछ और है स्टोरी में ऐड करने के लिए जो शायद सिर्फ तुम्हें पता हो करो जब ये बैग्स वगैरह लेके निकली थी तो उस रात आकृति को नहीं पता था कि मैं सचिन के साथ ही पार्टी गया हूँ एंड उसी टाइम आई गॉट अ टेक्स्ट कि कहाँ क्वेश्चन मार्क तुम्हें हाँ तो मतलब मुझे समझ नहीं आया इससे क्या मतलब है लाइक वी जस्ट स्पीक यार सारे टाइम आई आल्सो हैव थिंग्स टू से बोल मतलब ब्रोडीज के बाद इनका अच्छा सीन चल रहा था एंड आई डों वॉन्ट टू गेट इन बट आकृति की साइड से कुछ कुछ ऐसी चीजें मेरे को हिंट्स ऐसी मिली थी कि मतलब अगर मैं थोड़ा सा उससे बात वगैरह करता है कुछ करता है तो चीजें डेफिनेटली एस्केलेट हो सकती थी मैं बहुत शौक में था यार मतलब ये कहानी तो मुझे पता ही नहीं है मतलब ये तो कुछ नया ही रूप देखने के लिए मिल रहा है मैं तो जो एक चीज एक्सपेक्ट कर रहा था आकृति से तो बिल्कुल चीजें अगेंस्ट जा रही हैं अब मुझे लग रहा है कि मुझे सॉरी नहीं फील करना चाहिए आई ऑल्सो हैव समथिंग टू से प्लीज सो आकृति का भी पास्ट रहा है रोडीज में देर वॉज अ गाय कॉल्ड कबीर कबीर ने आके मुझे बोला था दैट कबीर एंड आकृति अ थिंग दैट शी वोटेड हिम आउट बट शी क्राइड शी सेड कि मुझे निकाल लो उसकी जगह अकॉर्डिंग टू कबीर शी स्लेप्ट इन हिज लैब एंड शी वाज लाइक दे वर वेरी क्लोज बट ये सारी चीजें सचिन को पता ही नहीं कि कबीर भी उस शो का पार्ट था और ये सारी चीजें हुई है हेलो मैडम आपको पता भी है क्या yes. हुआ था मैं सिर्फ, मैं सिर्फ जो मुझे पता, पता, पता है आकृति मैं सिर्फ वही बता रही बोले तो मैं अभी बोलू सारी चीजें इसको कुछ पता नहीं है तो इसको बोलो चुप रहे मैं नहीं चाहती थी कि ये सारी बातें आए बट अगर उसने जब कर ही दी थी ये सारी बातें तब मेरा दिमाग खराब हो गया कि वहीं से उठ के तुम्हें तो दो चाटे मारू और तुम्हारा अक्ल ठिकाने ले आऊं ब्रो जो मुझे पता है

Akriti, I will Get not it. shut up. I'm just stating facts. But Akriti, Akriti has told me you are supposed to tell your story here. बहुत आसान होता है छोटी सी चीज लेके बोल देना और मुझे पता है तुम शॉपिंग से अपने ले आए हो बट <laughs> तो स्टेटमेंट का मतलब क्या है किसी के लैब पे कोई सो आ, गया तो वो तो उसके पास हो गया और अभी तक सब लोगों को पता है आकृति की पर्सनालिटी है लड़का लड़की की कोई बात नहीं है वो सबके लिए ऐसा ही फील करती है

वो रो रही थी इतना रो रही थी मैं कंसोल ही नहीं कर पा रहा था एंड आई गिव हर द बिगेस्ट बिगेस्ट हग टेलिंग हर कि सब ठीक हो जाएगा मैं हूं आपके पास मैंने बस उसको हग किया मुझे इतना रिलीफ मिल रहा था कि चलो ठीक है यहां अगर मेरा कोई नहीं है तो एक बंदा है वो है जशवंत उस टाइम शायद अगर जशवंत नहीं होता तो मुझे नहीं मुझे नहीं पता यार

she she got drunk and she said I love you what the मेरा दिमाग ऑलरेडी फट चुका था मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मैं दिग्विजय को ट्रस्ट या आकृति को ट्रस्ट करू सचिन मैं तेरे साथ ही पूरे टाइम हाँ या ना तू मुझे इससे दूर लेके जा रहा था ना और मैं कह रहा था हाँ भाई ले जा ये बात तो क्लियरली याद होगी तुझे सचिन दिग्विजय जिस दिन मैंने तुझे ये बोला था और अगर तू सचिन को अपना दोस्त मानता था तूने उस दिन क्यों नहीं बोला कि भाई तेरी बंदी ने ऐसी ऐसी चीजें बोली हैं तब तू कहा था अभी मत ना? दे गाली मत दे अपने घर पे जाके अपने घर वालों को गालिया दी हो मुझे गालियां मत दे मैं तमीज से ही बात कर रहा था तू चिल्लाई है मैं बहुत देर तक शांत था मैं बोल भी नहीं रहा था कितने ट्रिगर होगी भाई सच्चाई बाहर आई तो बेटा तू बच के रहियो मुझसे पूरे सीजन तोड़ के रख दूंगी तुझे सनी मैम अगर आप मुझे अलाउ करते हो कि फोन करके दिखाओ अगर एक भी मेरी फ्लर्टिंग या हिंट वाली बात इसके तरफ गई है मैं शो छोड़ दूंगी यार मैं शो छोड़ दूंगी ये दो लड़की का कैरेक्टर एसोसिएशन करना बिल्कुल ठीक नहीं है ब्रो। कैरेक्टर वाली बात नहीं है। वो चिल्लाई मैं चुप था लड़का लड़की है क्या सीनेस मेंवरी एवरीथिंग यू हैव टू से ओके जूरी डिसाइड करेगी अब. गेट द क्यू कार्ड्स प्लीज जो भी और दिग्विजय के बीच में हुआ वो मुझे नहीं पता था लेकिन मुझे इतना पता है कि दिग्विजय कभी झूठ नहीं बोलेगा। थिंक सचिन इज गिल्टी मैं ये नहीं बोल रही सचिन गलत है बी सचिन की प्रायोरिटी रिलेशनशिप नहीं थी उस टाइम उनका करियर था जिसकी वजह से वो आकृति पे इतना तो ध्यान नहीं दे पाए मेरे लिए भी सचिन है गिलती तो कोई आके बोल दे यार मेरी बंदी किसी के और के साथ उसने आई लव यू बोला या कुछ गर्ल यू शुड हैव ट्रस्टेड हर ब्रो वो रो रही है वो रो रही है नेशनल टेलीविजन में उसकी बेइज्जती कर रही है या भाई तूने तू तु प्यार करता है ये प्यार होता है भाई मैं बोल रहा हूँ दिग्विजय वाला पॉइंट जो है ना वो उसने अभी बोला है मुझे उसके बारे में आइडिया भी नहीं था अरे उसको चुप कर था भाई प्यार करता है कुछ भी बोल तुम सारे के सारे उसपे चढ़ गए मेरे को नहीं, बोलना नहीं, उसको सारे नहीं सारे भाई, इस पे बोल बोला लड़की के आंसू लड़की के आंसू कर रहा है उसके आंसू पहले रोया आंसू दिखे तुझे मेरे भाई ओए बेटा बेटी एक समान है भाई कौन सी दुनिया में जी रहा है लड़की क्या बुरा लगा, और मुझे लगा कि इधर आकृति सही है और सचिन गिली है तो मैंने ऐसा जूरी यही फैसला दिया कि मैंने कहा भाई तू सही जा रहा था लेकिन ऐसे दोस्त है तेरे पास ये तो जाएंगे जाएंगे कुएं में तुझे साथ में लेके जाएंगे सचिन किस जोश सचिन

सर सचिन अगर आप किसी से प्यार करते हो ना तो यू खनक मैंने भी सचिन का नाम लिखा है आयुष्मान सचिन का नाम लिखा है सचिन आई फील इफ यू डू समबडी आप अपनी मर्जी से करते हो कोई आपको फोर्स नहीं करता है So when things go south-side and down-ways, you is Jatana reveal Sachin. Our jury unanimously voted for Akriti as not guilty and Sachin as guilty. So Sachin, here's your punishment. उस तो टाइम मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि इसके साथ नहीं होना चाहिए और शायद इससे भी गंगा ना लिया मेरी गलतियों के लिए बट अब मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता मुझे पता है कि मेरे दिल को पता है कि क्या सच्चाई है और आकृति को पता है क्या सच्चाई है <laughs> मुझे शो में ला हम कॉन्टेंट देंगे पता चल गया क्या कॉन्टेंट देंगे पता होता ना तुम लोग इतने स्मार्ट हो तो तुम लोगों के बारे में मैं क्या क्या बोल चुकी होती कुछ भी बोलते हैं यार है। चांटे। <laughs> चांटे। <laughs> देखा। साला। तू भी इसीलिए आया है समझा और अभी पता चलेगा आने दे तेरी बारी पता चलेगा बिल्कुल पता चलेगा। Shall we move on to the next? Yes, yes. दिग्विजय एंड इशिता। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ और मुझे पता दिग्विजय भी नहीं बोलेगा। बट उस ठंडे पानी में मुझे तो नहीं जाना था क्योंकि मैं यहाँ पे डूबने नहीं आई हूँ। मैं अपना पॉइंट proof करने हैं। तो दिग्विजय, इशिता का पहला इल्जाम आप पे है। कि यू आर दी ओनली वन बोल बोल के भी आप दूसरी लड़कियों के पास जाते थे और मुंह मारते थे तो दिग्विजय ने जब आकृति के बारे में सब बोला था मैं तभी समझ गया था कि इसका कैरेक्टर तो ढीला है मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल झूठ हुआ था क्योंकि सबसे पहले ये गलती आई गेस तूने करी थी तो मैंने कभी उस चीज को डिनाई नहीं किया और मैंने काफी माफी मांगी उस चीज के लिए अगर तू चार साल तक उसको दिल में लेके अभी तक बैठा है भाई तो उसी टाइम बोल देता रिश्ता वो चीज मेरे दिमाग से नहीं जाएगी अगर तू मुझसे हर्ट था तो तू मेरे साथ चार साल तक कैसे रहा अगर तू उससे ओके नहीं था ना तो तुझे मुझे क्लियर नहीं बोलना चाहिए था इश्ता कि ये बोला नहीं बोला था क्लियर ही साल बोला तक बोला है मैं तेरे साथ ऐसा करूंगी बोला मैंने उसके बाद इश्ता मैंने बोला है मिनिमम फिफ्टी मैसेजेस दिखा सकता हूँ मैं तुझे

मेरे लिए मेरे लिए आसान है क्या किसी और लड़की के दादर को देखना मुझे पता है तेरे लिए बहुत मुश्किल है हाँ और तब भी तुरको दिमाग में एक बार नहीं आता कि इसके बारे में सोच लू मैं वैसे डिकविज़े सोचता है मैं बताती हूँ डिकविज़े क्या सोचता है सो so, डिकविज़े का तुम पे एलिगेशन ये है कि तुम बहुत टॉक्सिक हो इशिता

वहां चेयर पे बैठने से पहले ही मुझे पता होता है कि भाई ये सब लोग इशिता का साइड लेने वाले हैं क्योंकि ये सारे जो है लेना वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली मुझसे चढ़ते हैं एंड मुझे तो बिल्कुल ये नॉट गिल्टी नहीं बोलने वाले हैं दिग्विजय इशिता एक बात बुरी लगी कि तेरे साथ गलत हुआ कि तेरी बंदी ते चीट किया तो मैं उस पर स्टैंड ले रहा था और वो सिंपती नहीं था मैं कोई फेवर नहीं कर रहा था मैंने तुझे पैदा नहीं किया क्योंकि जय okay. दिग्विजय uh -huh. yeah. मुझे एक दिग्विजय पानी okay. में को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो किस बात पे बकवास कर रही थी क्योंकि दिग्विजय ने उसको पहले से ही क्लैरिटी दे दी थी सो आई वाटर आयुष्मान इशिता ओके दिग्विजय मैं तैयार होता हूँ पानी में कूदने के लिए मुझे पता है ये लोग बायस डिसीजन ही लेंगे डैडी इस तो ओ गॉड सो व्हाट्स द काउंट फाइव 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 वोट्स है शिता फाइव वोट्स दिख मुझे मेरा वो दिमाग घूम जाता है कि सही में जूरी ने एक नॉर्मली फेयर डिसीजन ले लिया है सो द जूरी डिसाइडेड दैट यू आर इक्वली गिल्टी एंड इक्वली इनोसेंट

हाँ हम दोनों ही इस रिलेशनशिप को नहीं चला पाए थे और इस बार है एक साइड पे अनिका और दूसरे साइड पर लक्ष्य मैं और अनिका फेस टू फेस वन ऑन वन बात करने वाले तो इस कन्वर्सेशन के बीच में कोई बैल बुद्धि आदमी नहीं आएगा तो चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर होने वाली थी तो लक्ष्य आप पे पहला एलिगेशन ये है

मैं लिटरली मुंबई से दिल्ली पहुंच जाती थी उसकी एक छोटी सी चीज के लिए और वो चीजें उसने कभी भी अप्रिशिएट नहीं करी हैं और फिर उसके बाद दो तीन बार ऐसी भी चीजें हुई थी कि जहां पे मेरे को तेरी जरूरत होती थी तू वहां पे नहीं होता था इनफैक्ट फैक्ट तो तीन तीन चार चार दिन तक मुझे कॉल भी नहीं करता था एंड यू ऑलवेज से दिस की मेरा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग मैंने बोला थी ये चीज मेरी प्रायोरिटी सिर्फ काम है हमारा तो कोई कमिटमेंट था ही नहीं किसी चीज के लिए और कमिटमेंट तो कर कब बोला कि यू आर नॉट तो मैं भी था तो तो आँप आँप ना वहाँ एक्सपेक्ट ना फ्रॉम यू एक्सपेक्टेशन इज गुड बट मैं उस एक्सपेक्टेशन को पहले ही बता चुका हूँ ये नहीं होगा राइट

i'm just saying that bro even though i feel bad for anika because she should get more attention laksh made it very clear he does not want to give her any attention i can't say laksh was wrong anika is it true ki main jab अगर वो पूरा दिन हो चाहे पूरी रात हो वट एवर इट इज मैं हर बार नहीं बोलूंगा हर बार की नहीं आई एम नॉट झूठ नहीं बोलना चाहता ऐसा नहीं बोलूंगा मैं हरदम अवेलेबल था फर्स्ट थिंग सेकेंड थिंग कोल्ड हो गया राइट right? तो मैं सिर्फ इतना ही पूछ सकता हूँ कि तुझे कोल्ड हो गया मुझे पता है वो सही हो जाएगा यार और रही बात कोई बड़ी चीज की अनिका शुड यू शुड नॉट क्राई आई एम नॉट सेइंग यू आर रॉन्ग I said she is a diamond and everyone know it. I said you are the best person. I said even it. I think you are the best person. So what is the wrong going wrong? क्यों रो क्यों रही है फिर? जितनी भी चीजें हुई थी, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा traumatizing थी. और वही सारी बातें हो रही थी जिन बातों से मैं भागती आ रही थी इतने टाइम से तो लक्ष्य ने अनिका पे एलिगेशन लगाया है कि अनिका को गुस्सा बहुत आता है That's true. Yeah, I accept that. अगर तुम ऐसी हरकतें करोगे तो किसी भी इंसान को गुस्सा आएगा If I'm expecting something from someone and if he that person is not giving me that thing, of course मेरा anger issue होएगा। I am not saying you are wrong. मेरी प्लस प्रायोरिटीज अलग हैं दैट्स ट्रू सो देयर इज हाय गाइस देयर इज सेइंग अनिका ही इज जस्ट नॉट दैट इनटू यू कभी-कभी हम ऐसे बंदा या बंदी मिलते हैं इट जस्ट डजंट वर्क इट जस्ट डजंट क्लिक ही इज इन अ कंप्लीटली डिफरेंट जोन ठीक है आई एक्सेप्ट दैट अनिका की सोतों उसका काम थे <laughs> वो उसका कमिटमेंट सिर्फ काम है एंड यू आर जस्ट साइड स्क्वीज या आई डोंट वांट हिम नाउ उन दोनों में एक्चुअली कोई बैड ब्लड था भी नहीं लक्ष्य वाज वेरी क्लियर कि नहीं अनिका बहुत सही है बस हमारा नहीं चल सकता एंड अनिका वाज आल्सो वेरी क्लियर कि लक्ष्य बहुत सही है बट

अगर एक लड़का कमिटमेंट नहीं दे सकता तो वो रिलेशनशिप में आने का हकदार नहीं है तू किसी लड़की को बोल रहा है मैं तुझसे प्यार करता हूँ लेकिन मैं तुझे कमिटमेंट नहीं दे सकता मुझे तो लक्ष्य बहुत ही वाहियात लगा शोभिका योर ट हाय फाइंड लक्ष्य गिल्टी जोश आई फाइंड लक्ष्य गिल्टी आई फाइंड लक्ष्य गिल्टी आई फाइंड अनिका गिल्टी

So लक्ष्य थी। मुझे अभी तक एक चीज समझ नहीं है दो घंटे का टाइम नहीं दे सकता तो लड़का कैसे सही हो सकता है आगे कितने लड़के सब काम करते हो ना सब काम करते भाई भाई अगर बंदी कॉल है सब उठाते हैं हाँ। हाँ। तो ये मत बोल मैं चौबीस घंटे काम करता हूँ और अगर तेरी पार्टी काम होती तो यहाँ बैठा होता ये भी काम है

तेरी जो फुटेज है ना वो दिख रही है अरे यार तू चुप कर यार फुटेज फुटेज मेरे से बात, बात कर बकवास तुझसे से तेरे मुंह नहीं लगना मेरे को चल यार तुम्हें मेरी बात से सुनाई दे रही क्या लक्ष्य ये मुझे लड़कों के बारे में नहीं समझ में आता है ये इनके मेल ईगो पे क्यों बात आ जाती है कोई भी चीज होती है और मेरे को इतना बुरा लग रहा था की वो लड़ाई मेरी वजह से हो रही है चुप हो जाओ प्लीज मैं मैं आई आई

Can I, go with her? I don't feel she's guilty पानी में और मेरे को बहुत बुरा लग रहा था कि क्यों मेरे को जाने दे भाई और मुझे एक्चुअल में मूव ऑन करना है तेरे साथ नेक्स्ट खेस इज and Naira। अब बारी थी मेरी और शिवेत की जिसका मुझे बहुत ज्यादा इंतजार था बिकॉज़ आई न्यू कि दिस इज द टाइम फॉर मी टू टेल माय साइड ऑफ द स्टोरी तो शिवित नायरा ने आप पे एलिगेशन लगाया है कि आपने नायरा के इमोशंस का मजाक बनाया है मेरे इमोशंस को बहुत गंदे तरीके से यूज किया गया है हम रोडिस पे मिले थे और आई लाइकड हिम इन द शो लेकिन ये सबसे फ्लर्ट करता था जब हम पर्सनल में बैठते थे लगेज रूम के अंदर मैं इसके कंधे पे सर रखती थी ये भी रखता था। फेस बना लो चाहे, में जब मेरी पूरी गैंग साथ में थी केम टू नेक्स्ट टू मी था हमारे बीच में चीजें लेकिन पब्लिक में उसने ऐसे दिखाया कि कुछ था ही नहीं कुछ नहीं होता ना तो आज शिवे तो नायरा आमने सामने दोबारा नहीं होते ये कह रही मैं टेंट में इसके बगल में आगे सोया फर्स्ट थिंग मैं सो चुका था भाई मैं सो रहा था किसमी मैं उठ गया आई एम नॉट द पर्सन touch you. तेरे जैसे ते बंदे को तो मैं थूकू भी ना तेरे ऊपर तू तो टेंट वाली अलग बात बोल रहा है सचिन इज द प्रूफ यू केम इन proof. इट is ओनली proof गैंग मेरे बाप की परवरिश हेलो तूने भी चैट्स के बारे में बोला तेरी सुन 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 तेरी बंदी थी वो मा, माँ बाप की परवरिश में तू मत जा ठीक है तूने क्या बोला था क्या तेरे घर वाले तुझे कैसी परवरिश दी है कि तू लड़कियों के पीछे पड़ा रहता है तू आता होगा ऐसे घरों से ऐसा कुछ समझते सुन हम नहीं आते तेरे को क्लियरिटी भी नहीं हाँ, तेरे शब्द बदल रहे हैं ठीक है यार शिवे तू सेट पे सबसे फ्लर्ट करता था यार हर लड़की से करता था फ्लर्ट अरे यार सुन छह महीने पुराना शो है तुम लोग अभी भी उसके पीछे पड़े हुए हो पहले याद कर ले क्या कर क्या बोला था याद कर ले खुद के दिमाग में मैं भूल भी गया कौन है तू खुद के दिमाग में क्लियर टीका रख ले खुद के दिमाग में पहले ठीक है उसी लड़की ने भी तेरी सही सही बता दी चल वो लड़का बोल रहा है जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के फोटो अपने फोन में आज तक रखता है मुझे समझ नहीं आया छोटी की डिब्बी बीच में क्यों घूट गई मैं बोलू तू ना आकृति कर बोला है

लड़ना मैं बताता हूँ किसे कहते हैं आने का आने में भी कनेक्शन तू क्या था सबसे पहले डोम के लिए हर्ष क्या पिच रखी तेरा आगे मैंने मुझको बोला तो मेरी प्रायोरिटी है भाई मैंने और... कहा था मुझे निकाल दियो अगर निकालना है उसे छोड़ दियो हाँ हाँ। दैट इज कॉल्ड लड़ना ठीक है जब किसी के लिए खड़े होते हो ना तो ये बोलते हैं ये नहीं बोलते कि यार सॉरी यार आज ना मेरी गैंग तुझे वोट करना चाहते हैं मैं उनके साथ जाऊंगी तू, this. तू, क्या कसम I तू स्वेर के माँ की इज्जत नहीं करतीन सबसे बुरी बात थी मुझे एक ऐसी लड़की का चेहरा देखना पड़ रहा था जिसने मेरी मॉम की मौत के बारे में कुछ बोला कोई लड़का है वो इमेजिन भी कर सकता है आई एम सो सॉरी यार मैं ऐसी लड़की से बात भी कर रहा हूँ जिसने मेरी माँ को मारने की सॉरी मरने की बात कर दी है Let me me. clear this conversation, please. He's putting a very fake allegation on उ हुई थी ले लोगों को अपनी मोम की बीमारी झूठ बोल रहा है तो ये सब डिस्कशन हुआ था मैंने कभी नहीं बोला यार एक्चुअली ये yes, तुमने बोला था लाइव में मुझे उस दिन स्ट्राइक नहीं किया था उस जब मेरी उससे बात हो रही थी बट तुमने बोला था तू मां कसम लड़का होती ना मैं मजाक भी कर रहा आई डोंट गिव अप मैं क्या कर सकता था गिव इट मैनर्स मैनर्स मत सर मैनर्स नहीं आते जब मां बीच में आती है कम डाउन मैं कुछ बोल ही नहीं रहा तेरी मॉम के लिए यार इन लोगों को शर्म तक नहीं है इन्हें सारे दस फॉलोअर दे दो तो कोई किसी की मां के बारे में कुछ बोल देंगे But that's life, Shivit. People say shitty things. मैम life okay. नहीं है मेरी से ऊपर मिल ले. So sorry. I understand. I don't have my parents either. Someone said something about them. I also would be upset. मेरी माने मैं मिले हर हद तक जा रखी है. I know उसने कितना सफर किया मेरे मैं किसी को भी सकता हूँ उसे अपनी माँ के लिए. अगली बार से किसी के मॉम के बारे में किसी पेरेंट्स के बारे में मत ही बोलो तो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि अगर तुम ये एक्सपेक्ट करती हो कि शिवेत आपसे अच्छे से बात करे रिस्पेक्ट करे आफ्टर नोइंग कि तुमने उसकी मॉम के बारे में कितनी घटिया से घटिया बातें की है तो ये पॉसिबल नहीं है हमने आप दोनों के आर्गुमेंट सुन लिए ओके एंड नाउ आई थिंक इट्स टाइम दैट वी हैंड ओवर टू वाचुन्स अफाइन नाइरा गेलती

यू मुझे यही लग रहा था कि पूरा विला आई थिंक एक्साइल भी और जो दूसरे भी थे, वो सब एक साइड पे थे और मैं अलग साइड पे थी बस मुझे यही लग रहा था कि मुझे बस मिसअंडरस्टूड किया लोगों ने गिल्टी प्रूव हुई और वो पानी में गिर गई

लेकिन फिर आपने ही जाके डिकीला पे चीट कर लिया जो मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है उसी ने मेरा ट्रस्ट ब्रेक किया जबकि मैंने ब्लाइंडली ट्रस्ट करती थी उसके ऊपर आई मेड मिस्टेक्स वो हो गया था यार बिकॉज़ तू भी सही नहीं थी तुझे पता यार कैसे अ सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड राइट वो बोलते रहता था दैट डिक्की इज माय गर्लफ्रेंड समथिंग लाइक दैट या या मेरे पीठ पीछे बोला है मेरे को पता भी नहीं था तूने जिस दिन मेरे को बोला है रात को तीन बजे में उसके घर जाके पीट के वापस आई हूं क्यों ऐसा बोला मेरे बारे में बोल के ओके एवरीबॉडी आई डोंट वांट टू स्ट्रेच आउट थिंग्स टू मच आई विल बी वेरी क्लियर एंड ऑनेस्ट व्हाई डिड आई चीट और कुछ भी वैसा क्यों हुआ क्योंकि तेरा दोस्त यार तू हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे रखती थी उनको मैं देख नहीं पाता था तुझे किसी और के साथ क्योंकि सब लौंडे वैसे ही होते हैं मैंने इसको क्लियर रखा था कितना बार मैं प्रूव करूं अपने लव को यार अभी तक ये चीट किया है फिर भी आई एम ऑलवेज इन टू हिम मैं नहीं सोच सकती यार नहीं कर सकती मूव ऑन जकीला का एक और एलिगेशन है तुम पे कि तुमने उसे फिजिकली हर्ट किया है नहीं बोला है मैंने ये आपने नहीं बोला नहीं बोला है मैंने ये लेकिन इसने बोला कल ये बात निकली थी कल आपने खुद एक्सेप्ट भी किया था जेलेसी फिजिकल वायलेंस टुवर्ड्स योर लवर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इज नॉट एक्सेप्टेबल मेरे को ये बोलना ही नहीं था बिकॉज माय फैमिली इज आल्सो वाचिंग इतना सेक है भी मेरे रिलेशनशिप में रही थी लेकिन आई डी वॉन्ट टू कॉल like मेरे को ये दिखाना नहीं है भाई आई रिस्पेक्ट निकिला फॉर नॉट सेइंग एवरीथिंग आउट लाउड लेकिन ये पॉइंट बाहर आ गया था कि यानी कि थोड़ा फिजिकल पता नहीं कैसे इंटेंशनली या अन इंटेंशनली बट इट्स नेवर राइट इट्स नेवर गोन टू बी जस्टिफाइड I want to apologize, sir. I I am seeing her like almost after a year.

It's a unanimous vote. The jury has found you guilty and negate.

और देवांगिनी ने दिव्यांश आप पे यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि आप थोड़े रूड हैं मुँहफट हैं डिसरिस्पेक्टफुल हैं उनकी फैमिली की तरफ यस uh, yes, बिल्कुल मैं ये भी एक्सेप्ट करता हूँ द रीज़न इज दैट कि इसके ग्रीन पेरेंट्स इसके लिए दूसरे लड़के भी देखने लग गए थे वो लोग मेरी मम्मी को ये कंसर्न था कि अगर तुम लोगों का कुछ चल रहा है तो उसे फैमिली के सामने एक्सेप्ट कर लो नहीं तो जो फैमिली डिसाइड करेगी वो फाइनल कॉल होगा इस वजह से आपको थोड़ा सा फोर्स किया गया था

अरे तो मैं कैसे करूँ मेरी फैमिली का मेरे पे भी प्रेशर था आपको आपने जो एंगेजमेंट तोड़ी वो भी आपने बहुत ही कौन से हाँ, तोड़ी क्यूँकी पापा तोड़ी पापा ने आपको सिर्फ इतना सा बोला था शादी की बात के लिए अरे हाँ तो मुझे और उनको कुछ नहीं बोलना था इसलिए मैं वहां से निकल गया निकल क्या क्या बोल के की ये पड़ी अंगूठी अपनी बेटी की किसी और से शादी करा लो तो बस मैंने यही बोला ना उनको मुझे उनको और कुछ नहीं बोलना था

मेरी एरोगेंसी थी मेरा गुस्सा था जो मैंने उसने मैं वो स्टेप लिया और मैं उस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ आज भी कि मेरी गलती हो गई देवांश ने काफी काफी स्वीट चीज की उसने एक्सेप्ट किया एंड ही जेन्युइनली वांटेड टू अपोलोजाइज एंड मेक अप मुझे ऐसा लग रहा है कि डीप डाउन इनसाइड आप दोनों प्यार करते हैं अच्छा तो तो जा। गिरो मजा दोनों <laughs> <क्या>? <laughs> गिरो तो बस प्यार में कर उसको. हा हा आप जाओ आई जस्ट वॉन्ट की उसको पानी में नहीं डाले अभी क्योंकि उसको जुकाम भी हो रहा है थोड़ा अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता ना तो मुझे लगता कि फेंक देना चाहिए बड़ी एक्सेप्टेड तो बस सजा कम हो गई थोड़ी फॉर यू टू ही ऐसा नहीं हो कि ये सब गेम के लिए और बाहर जाके मैं हर्ट हो जाऊंगा

From our jury, should they patch up or should they not? Patch up. Patch up. Patch up. Patch up. Patch up. Okay. So, in this very special circumstance, neither one of you will be going in the water. Our next case is Nidhi versus Raul. अब बारी आती है राजा और निधि की हमारे एक बहुत क्रेजी करैक्टर आए हैं स्प्लिट विला के अंदर जिनकी आवाज में आधे से ज्यादा आवाज तो होती नहीं है बस हवा ही हवा होती है ए, मैं राजा हूँ आप पे निधि का पहला एलिगेशन है कि आप एक चिंदी चोर हैं मैं ठीक है चोर को चोरी दिखाई देते हैं भाई चालीस रुपए छब्बीस साल की उम्र में तुम्हारे पास चालीस रुपए नहीं है प्लीज पढ़ाई लिखाई करो नौकरी तौकरी लो पैसा वैसा कमाओ नॉट अबाउट मनी एंड फोर्टी रुपीज मेरे लिए कुछ भी नहीं है और याद कैसे रहेंगे कुछ भी नहीं है तो इसने मेरा फोन तोड़ा जस्ट मेरे एक एक्स का कॉल आया मुझे अरे इसने दिल तोड़ दिया मैं फोन भी नहीं तोड़ सकता क्या यार दिल से बड़ी चीज होगी क्या फोन ये कैसी बात हुई नहीं आप नहीं तोड़ सकते तब से पर्सनल प्रॉपर्टी कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा उसका तो? did you replace our phone उसके बाद हम अलग हो गए थे oh.

क्योंकि मैंने अपने आप को उस जगह पे रख के सोचा अगर मेरे साथ होता तो मेरे को भी चाहिए कि कोई मेरा स्टैंड ले उस पर या तो मैं अपना खुद का स्टैंड लू कि ये चीज गलत थी आई फाउंड राहुल वेरी वेरी गिल्ती आई फाइन राहुल गिल्ती आई फाइन राहुल गिल्ती आई फाइन राहुल गिल्ती आई फाइन राहुल गिल्ती I find Rahul guilty. I find Rahul guilty. शुक्रिया जूरी का फैसला है राहुल is guilty. मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा और राजा नहीं झुकेगा किसी से मेरे भाई जो बात सच है ना वो सच रहेगी यार नहीं झुकेगा कभी पानी राजा झुकेगा नहीं और सीधा हमने उसको पानी में डाल दिया और वो पानी में डुबकी के झुक गया The next case is Rigden and Ameha. Okay. Character. एक तो उसकी गांड में स्प्रिंग है वो हिलता रहता है वो सीधे खड़ा नहीं होता है वो हमेशा हिलता रहता है हिलता रहता है ऐसे ऐसे बात करता है oh, ओ भाई ओ भाई मतलब ये सेशन बहुत अच्छा जाने वाला है रिगडन का इल्जाम है अमेहा पे कि अमेहा बहुत पोजेसिव थी एंड वो सोशल मीडिया पे गई थी और उन्होंने रिगडन के अगेंस्ट काफी ट्रैश टॉक करी थी आई डिड डू दैट बट दैट वाज आल्सो जब इस दिन मेरे ऊपर चीट किया चेरी ऑन द टॉप रिगडन और मेहा को घुमा रहा था लंगूर के हाथ में अंगूर मैं बहुत हर्ट थी एंड एक दिन मैं लाइव आई एंड देन यस आई डिड ट्रैश टॉक हिम I I admitted it of being guilty for that, but I think it was fair. एक बात तो वो था कि ये मैं से दो दो दिन से बात नहीं किया था. I was really busy, you know. I was with my friend.

रिक आप पे एलिगेशन है कि आपने उनको कभी गर्लफ्रेंड की तरह इंट्रोड्यूस भी नहीं किया तो इस पे क्या बोलना चाहोगे ये सही बोल रही थी आई नेवर इंट्रोड्यूस्ड हर एंड ऑल दैट आई टोल्ड हर ऑलवेज शी इज माय फ्रेंड गुड फ्रेंड उसके लिए आई एम सॉरी इफ यू फेल्ट लाइक दैट आई डोंट नो मैन लाइक व्हेन यू लाइक वन गर्ल द गर्ल डजंट लाइक यू एंड व्हेन यू डोंट लाइक द गर्ल द गर्ल लाइक्स यू सो इट्स काइंड ऑफ

I find Rigdon guilty. Rigdon guilty. I find Rigdon guilty. Ameha, thank your gods. कि उसने कभी तुमको एक गर्लफ्रेंड की तरह इंट्रोड्यूस नहीं कराया वरना तुम शर्म से मर जाती कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो लोग तुमको जज करते बहन क्या कमी है तुम में कि तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो और आई फाइंड गिल्टी ये तो था ही कि अगर मेरे को कुछ भी करना पड़ा तो मैं अमिया की सपोर्ट करूंगा वो तो शुक्र हो भगवान का कि उसका एक्स ही ऐसा था ओ। ओ। पानी ने सबकी आंखों में खौफ पैदा कर दिया था उसी पानी में रिगडिन ऐसे तैर रहा है जैसे वो चॉकलेट फाउंटेन का पानी हो भाई वहां भी पानी में बैक स्ट्रोक करके आ रहे क्या ये वाला नशा करना है लाइफ में भाई हे हे हा हा उसने एक्साइल मिला और स्प्लिट्स विलेंस के थ्रू जाने की कोशिश करी इन ऑफ गोइंग फ्रॉम द साइड सो इट वाज वेरी फनी आई थिंक रिगडिन मेड द बेस्ट ऑफ अ वर्स सिचुएशन नेक्स्ट केस इज आदित एंड उन्नति सो इन दिस केस ऑफ आदित वर्सेस उन्नति उन्नति का इल्जाम है आदत पे कि आदत कभी रिलेशनशिप में इमोशनली अवेलेबल ही नहीं थे उन्नति मेरा डिफेंस ही है कि हमारी रिलेशनशिप अवेलेबल नहीं थी <laughs> तो मैं उसमें इमोशनली भी अवेलेबल हो नहीं पाया <laughs> ये क्या बात हो गई यार कुछ भी आरोप लगा अनअवेलेबल बिकॉज वर नो इमोशन फ्रॉम आइदर साइड चलो और इनका दूसरा इल्जाम है कि इन्होंने जब आपको अनफॉलो किया तो फिर आपने इनको कॉल किया और बोला मुझे follow back करो और जब इन्होंने अनफॉलो किया, किया और इनको फॉलोअर लिस्ट से हटाया ही नहीं वी शुड नॉट टेक सोशल मीडिया ऑल्सो सो सीरियसली कि एक फॉलोअर कम हो जाए तो उस पर पूरी कोर्ट रूम बिठाने पड़े तो मैं उसके लिए बुरा लगा तो आई एम सॉरी तुम एक अनफॉलो फॉलो की बात पे लड़ रहे हो तुम्हारे में कुछ था नहीं कहाँ अवेलेबल होगा ये बेचारा व्हाट एन इमैच्योर स्टूपिड एलिगेशन मैं पिच करना चाहूंगा हां मैं प्लीज दुबाइए तो मत और सर इनका कोई बहुत ज्यादा ऐसा रीजन भी मुझे नहीं लगा दोनों तरफ से उनका कोई मैटर ही नहीं था देयर वाज नथिंग टू जज देम फॉर तो हमने वहीं पे वो केस डिसमिस कर दिया

Yes, our mischief maker, causing mischief. But today was not enough for me. I took it easy today. I was giving you guys some rest. Baki, be prepared. Jo aane wala hai, mischief maker will be back soon. Excuse me, please, guys. I need to leave and plan for my next mischief. Chalo, bye. मुझे लगा कि शायद ये जो भी चीजें थी वो ज्यादा अगली हो गई हैं वो बहुत पर्सनल चली गई हैं जो कि नहीं जानी थी दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन जो कि खत्म हो चुका था ये कोर्ट रूम बहुत ज्यादा जरूरत थी इस चीज की इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई थी सबकी मेंटल की बैंड बजी हुई थी क्योंकि इतना ज्यादा ट्रॉमा फिर से रिकॉल करना बहुत टफ होता है ये चैलेंज बहुत ही जरूरी था फो एड बी क्लियर सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स सो इट्स आई थिंक यू वेलकम फील आ गाइस